नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं डिजिटल सोल स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर मैं Realme 6i ये जो स्मार्टफोन है इसका पबजी TDM टेस्ट करने जा रहा हूँ एंड इसके अंदर कितना फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिलता है यानी कि FPS भी यहाँ पे हम मापने वाले हैं। उसके साथ बैटरी कितने परसेंट ड्रेन होता है एंड टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। तो ये पे हम टोटल दोनों सेशन करने वाले हैं, फर्स्ट बैलेंस प्लस अल्ट्रा। ये पे हमें 40 FPS के आसपास देखने को मिल जाएगा एंड देन HDR एंड हाई, इससे ज्यादा ये पे सपोर्ट नहीं करता, HDR वगैरह ये पे सपोर्ट नहीं करता। और ये पे हमें 30 FPS के आसपास देखने को मिल जाएगा, बाकी सेटिंग्स वगैरह ये पे आप देख सकते हैं। और ये पे FPS वाला मैच खेलने के लिए बैटरी ये पे थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, USB वगैरह इंपोर्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, तो इसलिए FPS वाला मैच हम एक ही खेलेंगे। एंड ये पे PUBG के अंदर FPS में अपने के लिए जो ऐप ये पे मैं यूज कर रहा हूँ इसका नाम है गेम बेंच, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। स्मूथनेस की बात करूँ तो लैग वगैरह बिल्कुल ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ मैच ये पे चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके का परफॉर्मेंस ये पे हमें देखने को मिल रहा है। तो FPS मीटर के ऊपर आप एक बार ध्यान रखना किस तरीके FPS मिल रहा है, कोई ड्रॉप वगैरह होता है तो आप एक बार ध्यान जरूर रखना। तो मैक्सिमम लेवल FPS मुझे ये पे 41 FPS के आसपास ही लगा, उसके ऊपर होता है तो देखना जरूर। ये पे देख सकते हैं 40-41 के आसपास ये पे जा रहा है। और भाई अभी तक तुमने लाइक बटन को हिट नहीं किया तो जल्दी से कर दो, 750 इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है, तो जल्दी से लाइक कर दो। एंड ऑब्वियसली FPS मीटर में थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप वगैरह हमें देखने को मिल रहा था, बट परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और ये भी हमारे चैनल पे 35,000 सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर कंप्लीट हो गया, तो अभी तक अपने हमारा फैमिली का हिस्सा नहीं बना तो जल्दी बन जाइए। Realme के कोई भी हैंडसेट के अंदर आज तक मुझे ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, फ्रेम लेफ्ट राइट ऐसे मूवमेंट करने में कोई स्टक वगैरह नहीं होता। जो पोको X2 Redmi Note 8 Pro से मैं देखते आ रहा हूँ ये प्रॉब्लम Redmi के हैंडसेट में रहता ही है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस ये पे हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली फ्रेम रेट सेम ही मिलता है यानी कि HDR एंड हाई पे 30 FPS, बैलेंस एंड अल्ट्रा पे 40 FPS, तो फ्रेम रेट सेम ही मिलता है Xiaomi एंड पोको की तरह, बट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। अब इन हैंड फीलिंग की बात करूँ तो उतना ज्यादा हीट फील यहाँ पे नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अब टोटल 31 मिनट ये पे कंप्लीट हो गया, बैटरी देख लेते 89% एंड टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीछे की तरफ 35 डिग्री सेल्सियस। अभी तक जो मैच ये पे हम खेल रहे थे वो था बैलेंस प्लस अल्ट्रा पे, अभी ये पे हम सबसे हैंडसेट के सबसे मैक्सिमम सेटिंग्स पे खेलने वाले HDR एंड हाई पे खेल के देखते कैसे FPS हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट 30 FPS ये पे हमें मिलना चाहिए, देखते कितना FPS ये पे मिलता है। तो अभी तक तो बहुत ही बढ़िया 30 FPS के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 29-30 FPS। बैलेंस एंड अल्ट्रा पे जैसा मिल रहा था ये पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू हमें देखने को लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि डिस्प्ले पे आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलता है और पीछे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, बट ये पे थोड़ा सा उल्टा ही हो गया, डिस्प्ले में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है और पीछे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली स्लाइटली फ्रेम ड्रॉप मैं बोलूंगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा सा लैग फ्रेम स्टक वगैरह कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्मूथ गेम प्ले अभी तक रहा है, बहुत ही बड़ी तरीके का एक्सपीरियंस मुझे अभी तक लग रहा है।
तो पिछले बार यहाँ पे बैलेंस एंड अल्टर पे हमने दो मैच खेला था FPS मीटर के साथ, तो यहाँ पे भी HD एंड हाई के साथ दो मैच खेलते हैं FPS मीटर के साथ। तो ज्यादा FPS ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक 30 FPS के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैंने देख रहा था योलो यहाँ पे हो गया था, बट कॉन्स्टेंटली ग्रीन में ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन करूँ पबजी टेस्ट या किसी और टेस्ट के अंदर, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक इस वीडियो की लाइक टारगेट को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो जल्दी से कंप्लीट कर दो, 750 इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है, तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। अब 52 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड टेम्परेचर देख लेते हैं। ये भी सेम 34, मतलब पहले जैसा मिल रहा था 34, कोई इंक्रीज या डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड नॉर्मल टेम्परेचर की बात करती है आप देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 81%, यानी कि 19% ही बैटरी ऑनली यहाँ पे ड्रेन हुआ है। अब फाइनली 1 आवर यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड बैटरी देख लेते लास्ट टाइम 74%, यानी कि 26% ही ओनली यहाँ पे ड्रेन हुआ है। एंड ऑब्वियसली FPS वाला मैच का टाइम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेक्ट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे USB वाला पोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड फटाफट टेम्परेचर देख लेते हैं, डिक्रीज ना हो जाए 32 डिस्प्ले के ऊपर और पीछे की तरफ 31 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम निकला था बैलेंस एंड अल्ट्रा पे एंड इसका कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट आप देख सकते 40 FPS के आसपास हमें देखने को मिल गया 83%। एंड उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड स्टैक फ्री मूवमेंट के साथ बहुत ही प्रीमियम लेवल एक्सपीरियंस इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली वो 60 FPS वाला फील तो नहीं आता, बट कोई स्टैक बगड़ा लैग बगड़ा हमें देखने को नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट हमने खेला था HD एंड हाई पे, यहाँ पे आप देख सकते 30 FPS के आसपास हमें देखने को मिल गया, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट 30 FPS मेंटेन किया। अब स्मूथनेस की बात करूँ तो बैलेंस एंड अल्टर की तरह उतना ज्यादा स्मूथ तो नहीं हुआ, बट ठीक ठाक परफॉर्मेंस इसके अंदर हमें देखने को मिल गया। कोई लैग, थोड़ा सा 40 FPS से 30 FPS शिफ्ट होने के बाद जैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, जैसा स्मूथनेस हमें देखने को मिलता है, वैसे ही ये पे मिल गया। बट परफॉर्मेंस ये पे 1% भी ड्रॉप नहीं हुआ। बैलेंस एंड अल्ट्रा, HD एंड हाई दोनों के अंदर ही बहुत ही फाड़ू परफॉर्मेंस इसके अंदर हमें देखने को मिल गया। तो गेमिंग के लिए अगर आप इसको खरीदना चाहते आग बंद करके इसको आप खरीद सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पोको M2 प्रो के ऊपर, सेम सिचुएशन पे हम टेस्ट करेंगे FPS वगैरह कैसा मिलता है, परफॉर्मेंस कैसा मिलता है, सब कुछ हम टेस्ट करेंगे। तो आप देख लेंगे हमें कैसा परफॉर्मेंस वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। और ये पे हो गया लोड शेडिंग, आप रिकॉर्डिंग को कर लेते स्टॉप।